इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। ट्रिलियन रुपए की बोरिंग है जो हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी बोरिंग की हुई है। गवर्नमेंट ने जो लोन लिया हुआ है वो 50 ट्रिलियन रुपए का है। अगर आप उसमें 20% सूद लगाते हैं, जो हुकूमत 20 से 22% लोकल बैंकों को पे कर रही है, तो वो 10 ट्रिलियन बनता है। आप इस साल का पाकिस्तान का बजट चेक कर लें, उसमें इन्होंने 9.8 ट्रिलियन रुपए अकाउंट फॉर किया हुआ है। 9.8 ट्रिलियन रुपए इजी वर्किंग के लिए मैं 10 आपको बोल रहा हूं। अगर आप ये इंटरेस्ट आधा कर दें तो 5 ट्रिलियन रुपीस हकूमत का अपना सेफ होता है। हकूमत किसका इंतजार कर रही है और क्यों कर रही है? अगर आप 5 ट्रिलियन यहां पर सेव कर सकते हैं, आप 1 ट्रिलियन आईपीपी में सेव कर सकते हैं और हम नहीं कर रहे। ये जो आज हमारी आज पापाम के इंडस्ट्रियलिस्ट मीटिंग कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तबाह हो गई, वो क्यों तबाह हो रही है? उससे गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से टैक्स ले रही है। आर्मी का टोटल बजट 2.5 ट्रिलियन का है, 6 ट्रिलियन रुपए हम ये वेस्ट कर रहे हैं। ये 6 ट्रिलियन अगर हमारी सरकार इसको बचा ले सही फैसले करके, तो आप बिजली भी सस्ती हो जाएगी, इंडस्ट्री चल पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हम ये फिर पे डिमांड कर रहे हैं कि इसको 10% पे हर हाल में लेकर आए। हाँ, मुझे मालूम है आप एक शॉट में नहीं ला सकती गवर्नमेंट। आपकी जो नेक्स्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उस पे फेडरेशन, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, डिमांड करती है कि 400 बेसिस पॉइंट इमीडिएटली कम किया जाए। बाकी का जो हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें किया जाए। आप जैसे ही ये कम करेंगे हमारी इंडस्ट्री एफपीसी